press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. I hope you all are well. Welcome to online mathematics answer classes. आप सभी का मैथमेटिक्स आंसर क्लासेज में स्वागत है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 4.3. आज हम एक्सरसाइज 4.3 के बारे में डिस्कस करेंगे और आप साथ साथ में सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे. कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी क्यूरीज लेंगे. देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने क्वाड्रिलेटर बनाना है, सेकेंड में हमने फिर क्वाड्रिलेटर बनाना है, थर्ड में पैरेललोग्राम बनाना है और फोर्थ के अंदर हमने स्टार्ट करते हैं. ट्राई करना. फर्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए? स्केल, एक पेंसिल, कंपास, प्रोटेक्टर एंड शॉर्पनर और रबर. जैसे जैसे यूज होता चले करते चलेंगे. फर्स्ट हमने क्या करना है, एम ओ 6 सेंटीमीटर हमने ड्रा करनी है. यहाँ पे स्केल आपका कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 पॉइंट से लेकर 6 तक हमने लेके आना है. ये हमें मिल गया एम एंड ओ. ओके स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, ओ के ऊपर 105 डिग्री एंगल बना देते हैं. तो आप कंपास से बना सकते हैं मगर हम इसमें प्रोटेक्टर यूज करेंगे क्योंकि नेक्स्ट एंगल हमारे पास 85-95 के भी आने हैं. तो प्रोटेक्टर का यूज करके भी हम इसको बना सकते हैं. प्रोटेक्टर कैसे यूज करना है, देखिए इस लाइन के ऊपर, बिल्कुल लाइन के ऊपर आपने यहाँ पे देखो ओ को सेंटर मारना है तो ओ के ऊपर लेके आना. फिर देखो यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40 और ये आ गया हमारा 100 और ये 110 के बीच में आ गया. तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 105. ओके स्टूडेंट, ये एंगल हमें मिल जाएगा यहाँ पे 105. अब इनको हम लाइन ज्वाइन करवा देंगे. ओके, अब देखिए हमें ओ आर कितना चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर. ओ आर चाहिए हमें 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सेंटीमीटर. एक आर्क ड्रा कर देंगे ओ को सेंटर मानकर, एक आर्क में ड्रा कर दें. ओके, अब हमें क्या चाहिए, आर के ऊपर भी 105 डिग्री का एंगल होना चाहिए. आर के ऊपर कितने डिग्री होना चाहिए, 105 डिग्री का एंगल होना चाहिए. तो एक एंगल हमारे पास ये आ जाएगा, इसको हम ऐसे कर लेंगे जहाँ पे आर्क लगाई थी यहाँ पे 105 डिग्री का ये एंगल हमें मिल जाएगा. इसको हम आगे बढ़ा देते यहाँ से. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हम इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे. नेक्स्ट एम के ऊपर हमने 60 डिग्री एंगल बनाना है तो यहाँ पे हम एम के ऊपर 60 डिग्री एंगल बनाएंगे और ये एंगल हमारा इस साइड में आ जाएगा और इस पॉइंट को हम आगे बढ़ा देंगे. और जहाँ पे ये पॉइंट हमें मिलेगा वो पॉइंट हमारा ई आ जाएगा. क्या पॉइंट आ जाएगा, ई एंगल आ जाएगा, ई पॉइंट आ जाएगा. यहाँ पे ई है और ये आर, ये आया था हमारा 6 सेंटीमीटर और ये आया था 4.5 सेंटीमीटर. जहाँ पे दोनों कट हुए वो पॉइंट हमें ई मिल गया. दोनों की लेंथ आप चेक कर सकते हैं, एंगल आप मेजर किया तो हमने यहाँ पे बनाया था 105 डिग्री का और यहाँ पे 105 डिग्री और ये एंगल हमने बनाया था 60 डिग्री का. ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड. इसकी कंस्ट्रक्शन स्टेप आपने कैसे करने हैं, देखो ड्राई लाइन सेगमेंट एम ओ 6 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट ओ कितना 105 डिग्री, टेकिंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर एंड ड्रा एंड आर्क टेकिंग ओ एज ए सेंटर. ओ के ऊपर हमने क्या किया, एक सेंटर मानकर 4.5 सेंटीमीटर आर्क हमने ड्रा की कट कर दिया. जहाँ पे इंटरसेक्ट किया था वो पॉइंट हमें आर मिल गया
नाउ ऑल्सो कंस्ट्रक्ट ए आर के ऊपर भी हमने 105 डिग्री का फिर एंगल बना दिया। नाउ कंस्ट्रक्ट एन एंगल 105 डिग्री एट आर एंड प्रोड्यूस द साइड आर ई। कंस्ट्रक्ट एन अनदर एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट एम एंड प्रोड्यूस द साइड एम ई। बहुत साइड एम ई और आर ई इंटरसेक्ट जहाँ पे करते हैं उनको हम ज्वाइन करवा देते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। अब यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रा करनी है पी एल, कितने 4 सेंटीमीटर। जैसे पी एल हम एक 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रा कर लेते हैं। देखो यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, ओके क्वाड्रिलेटर के देखो चारों एंगल सम कितना होता है 360 डिग्री। यहाँ पे हमारे पास एंगल पी कितना आ रहा है 90 डिग्री और एंगल ए कितना है 110 और एंगल एन कितना है 85 डिग्री। तो सम कितना हो गया 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 85 डिग्री प्लस एंगल एल इजल टू कितना हो जाना है 360 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल एल क्या आ जाएगा, एंगल एल हमारा आ जाएगा 360 डिग्री माइनस हो जाएगा इन दोनों सम 200 285। इसमें से माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे 15 माइनस 8 करेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी कि 75 डिग्री। अब हम क्या करते हैं एल के ऊपर 75 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। एल के ऊपर 75 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं एल को सेंटर मानकर एक ड्रा कर लेते हैं हम यहाँ पे 75 डिग्री, ऐसा 70 और 80। तो ये वैल्यू आ गई हमारे 75 डिग्री। ओके स्टूडेंट, अब एल ए 6.5 लेकर हम एल से ए ड्रा कर लेंगे। ये हमारा 6.5 आ गया, एल से हम 6.5 कट करेंगे और इसको आगे प्रोड्यूस कर देंगे। यहाँ पे हमें मिल जाएगा ए पॉइंट, ये 6.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ए पे हमें बढ़ाना है 110 डिग्री का एंगल, कितने का 1 डिग्री 10। ए के ऊपर 1 डिग्री 10 का एंगल हम बनाते हैं तो इसी साइड से एंगल चलेगा तो हमारा कहाँ पे आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा हमारा 1 डिग्री 10 का। तो इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। अब हमने क्या करना है 90 डिग्री एंगल बना देना एक पी के ऊपर, पी के ऊपर 90 डिग्री एंगल हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं एज ए पी सेंटर लेके, ये 90 डिग्री एंगल हम तो ये जो पॉइंट हमें मिलेगा यहाँ पे जो पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा एन और ये आ जाएगा हमारा 90 डिग्री एंगल, ये आ जाएगा हमारा 110 डिग्री एंगल और ये हमारा 85 डिग्री एंगल। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है। चलो चेक कर लेते हैं। ड्राई लाइन सेगमेंट पी एल 4 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्टेड एंगल देखो पी के ऊपर 90 डिग्री एंगल बनाना है और पी को एन की तरफ बढ़ा देना है। पी के ऊपर 90 डिग्री बना के एन की तरफ बढ़ा देंगे
कंस्ट्रक्शन एन एंगल 75 डिग्री एट एल, यानी कि एल के ऊपर 75 डिग्री एंगल बनाएंगे, इसको आगे प्रोड्यूस कर देंगे। ए के ऊपर 110 डिग्री का जो एंगल हमने ड्रा किया है, सेम जैसे जैसे हमने कंस्ट्रक्ट बनाया है वैसे वैसे ही हमने लिखना है कंस्ट्रक्ट एंगल ए 110 डिग्री एट ए एंड प्रोड्यूस द साइड ए एन विच इज इंटरसेक्ट पी एन एट एन पॉइंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। नंबर थ्री में हम फर्स्ट एच ई 5 सेंटीमीटर ड्रा कर लेते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ पे हमारा 5 सेंटीमीटर ड्रा हो, एच एंड ई। देखो अब हमें क्या चाहिए, जो पैरोग्राम में एडजस्ट एंगल सम होता है 180 डिग्री होता है, यानी कि जैसे अगर मैं यहाँ पे रफली पैरोग्राम ड्रा करता हूँ, तो ये जैसे हमारे रफली पैरोग्राम है, तो यहाँ पे जो ये एंगल है इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एच का एंगल हमें नहीं पता, मगर देखो एच ई, देखो ई ए हमारी साइड में आएगी तो यहाँ पे एच के साथ आएगा, तो एच एंगल एच प्लस एंगल आर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और एंगल आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 85, तो एंगल एच प्लस 85 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री, एंगल एच हो जाएगा हमारा 95 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एच के ऊपर 95 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। ये 95 डिग्री का एंगल हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, इस साइड से हमारा ये 95 डिग्री का एंगल आ जाएगा। और देखो जब ई आर 6 सेंटीमीटर हैं, तो जो पैरोग्राम होता है इनकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो हम एक 6 सेंटीमीटर यहाँ से हम 6 सेंटीमीटर की कार खोल के ड्रा कर देते हैं एज ए सेंटर मान के, सॉरी यहाँ पे हमारी 6 सेंटीमीटर यहाँ पे होती है। यहाँ से लेकर 6 सेंटीमीटर हमने ड्रा कर लिया, ये 6 सेंटीमीटर अपना आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 85 डिग्री का एंगल बना के इसको आगे प्रोड्यूस कर देंगे। पॉइंट रखें, देखो यहाँ पे आपका 85 डिग्री ये एंगल आ गया, ये 85 डिग्री आ जाएगा, और इसको हमने इन पॉइंट्स के साथ जॉइन करके आगे प्रोड्यूस कर देना है। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे हमने कितने बनाया था, 95 डिग्री का, और ये 85 डिग्री का एंगल है। तो देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल पैरोग्राम के अंदर क्या होते हैं, सॉरी पैरोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल ई पे भी हमारा कितना डिग्री बनेगा, 85 डिग्री का एंगल हमारा बन जाएगा। तो इस साइड से अगर हम एंगल देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 85 डिग्री ये आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर देंगे। ऑक्सटेंट यहाँ पे हमारा एंगल होगा 85 डिग्री, ये एंगल होगा हमारा 95 डिग्री, यहाँ पे ए आ जाएगा और यहाँ पे हमें आर मिल जाएगा। जैसे जैसे बनाया वैसे वैसे इसकी कंस्ट्रक्शन आपने करनी है। ड्राई लाइन एच ई नाउ कंस्ट्रक्ट एन एंगल 95 डिग्री ऑन एच एंड एच आर प्रोड्यूस एंड एज ए सेंटर एच कट एन आर्क 6.5 सेंटीमीटर एंड देन कंस्ट्रक्ट एंगल 85 डिग्री ऑन आर प्रोड्यूस आर ए एंड 85 डिग्री ऑन एंगल ई प्रोड्यूस ई ए। ओके स्टूडेंट, पार्ट नंबर 4 आपने रेक्टेंगल बनाना है, और रेक्टेंगल बनाने का सिंपल सा तरीका है, आप एक लाइन लेंगे, कोई भी एक लाइन ले लीजिए, जैसे ओके ले लेते हैं हम 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर ओके। अच्छा रेक्टेंगल के सभी एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, तो आपने यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बनाना है
और उसका आगे प्रोड्यूस कर देना, फिर 90 डिग्री एंगल बना के प्रोड्यूस कर देना है के ए 5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर 5 सेंटीमीटर के यहाँ पे आग लगा के आपने कट कर देना और यहाँ पे भी आपने कट कर देना, फिर उन दोनों को ज्वाइन करवा देना है। आई होप यू कैन डू दैट, सो प्लीज़ ट्राई योर सेल्फ। आपको क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।